सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाकर बेचा करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी इन सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं है, कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जियां तोड़ने जाती हैं, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियां तोड़ ली हैं, उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोल बहू, देखना अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर बना ले खाना, बंटी आता ही होगा। सुबह से शाम से फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं लेती, इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियां तोड़ लाई थी, सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना, कम से कम इस बारिश हमारी सब्जियां तो खराब नहीं होंगी ना। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे तो बारिश होने लगी, हम थोड़ी ही सब्जियां तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा, और ये बारिश भी थमने का नाम ही नहीं ले रही, कभी सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, अब किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही हैं आप, खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले दो दिनों तक लगातार बारिश होती रही। बारिश का पानी खेतों में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती है। इस बार बंटी की सब्जी की दुकान भी बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी का पड़ोसी कालू कौवा मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। वो बंटी कबूतर की दुकान के बगल में ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी भाई, क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता, क्यों ना हम तरबूज के बीज अपने पानी भरे खेतों में डाल दें। तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेतों में पहले से भरा हुआ है, और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की डिमांड ज़्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, तरबूज की फसल उगाने के लिए तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए ना, और हमारे पास तो तरबूज के बीज ही नहीं है। उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज को बिखेर देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पर लाल लाल तरबूज लग जाते हैं। टुनटुनी सारे पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पके हुए लाल और मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर अपनी दुकान पर बेच दीजिए,
देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। बंटी के तरबूज जल्दी से बिक जाते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे तरबूज खत्म हो जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौट जाता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसे पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बंटी वो पैसे टुनटुनी को दे देता है। इस तरह बंटी कबूतर अब अपने खेत में टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगता है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ये भी लिखें कि ये स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय बच्चों।